हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत दैनिक यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी के अपने टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहे थे और इसमें हमने कई सारे लेक्चर ऑलरेडी वीडियो के रूप में अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो अभी प्रीवियस के जो तीन वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसी से जुड़ा हुआ है, जो कि है ह्यूमन ब्लड से। एंड इन दैट ह्यूमन ब्लड वी आर स्टडीइंग ब्लड वास्कुलर सिस्टम। एंड दैट ब्लड वास्कुलर सिस्टम टुडेज लेक्चर इज बेस्ड ऑन हार्ट, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो हार्ट पर बेस्ड है, यानी कैसे हमारा जो हार्ट होता है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या है, वो किस प्रकार से ब्लड के रूप में ब्लड को किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोस्तों, हम लोग आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ आप देखते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट। दोस्तों, ये मैंने जो डायग्राम यहां पर ड्रॉ किया है हार्ट का, ठीक, यानी कि दिल। ठीक, दिल कहां होता है? अगर आप जो हमारा ये चेस्ट होता है, चेस्ट के बीचों बीच में इस जगह पर लंग्स के पास में यहीं पर बीचों बीच में हार्ट मौजूद होता है। एक किसी भी ह्यूमन बॉडी में हार्ट इज प्लेस इन बिटवीन दी चेस्ट एंड नियर लंग्स, लंग्स के पास में ये मौजूद होता है। दूसरी बात, यहां मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अब इस डायग्राम को हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। हार्ट इज नथिंग बट द डायग्राम। तो इसमें पहली चीज हम डायग्राम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले आप ये जानिए कि जो हार्ट होता है, हार्ट ये फोर चैम्बर्ड होता है, ठीक। इसके अंदर चार चैम्बर लगे होते हैं, ठीक है। दो इसको दो दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला जो एक चैम्बर हार्ट होता है उसका, यानी हाफ ऑफ द चैम्बर इज अप टू चैम्बर, यानी हर जो हाफ होता है, एक हाफ, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, ठीक। और दोनों चैम्बर क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से एंट्रियम एंड वेंट्रिकुलम में, एट्रियम और वेंट्रिकुलम में, ठीक है, इस प्रकार से ये डिवाइड होता है। जो एट्रियम होता है वो क्या होता है, अपर अपर और ये लोअर। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है उसको डिनोट करता है, इसको कहते हैं अपर चैम्बर और इसको लोअर चैम्बर। सिमिलरली जो एट्रियम सेकेंड हाफ का होता है वो भी अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, ठीक है। ये इस हिसाब से आपका हार्ट बना होता है। तो ये दो चैम्बर देखते हैं, एक चैम्बर ये, एक चैम्बर ये, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है हार्ट को, आप देखेंगे। तो अगर यहां पर हम लोग आते हैं, देखिए ये पूरा जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें देखिए, मैंने यहां लिखा हुआ राइट एट्रियम, ठीक। पहली चीज तो आप समझिए, एट्रियम कहते हैं क्या है, एट्रियम होता है अलिंद, अलिंद होता है, और वेंट्रिकुलर को निलय कहते हैं। हिंदी में एट्रियम को अलिंद और वेंट्रिकुलर को निलय कहते हैं। ये है हमारा राइट एट्रियम, ठीक है, और इधर का है हमारा लेफ्ट एट्रियम। देखिए एट्रियम, ये एट्रियम, ये दोनों क्या है, अपर पार्ट को ही शो कर रहे हैं। तो ये राइट पार्ट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दाया निलय और बाया निलय, इस प्रकार से हार्ट को दो भागों में, चार चैम्बर के रूप में स्टडी करते हैं। इस डायग्राम में अगर आप देखें, पहले राइट एट्रियम की बात करते हैं, यहां पर आप देखिए वेना कावा
बना हुआ है, एक चैम्बर रूम भी होता है वेनाकोवा। और ये वेनाकोवा क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वेनाकोवा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंफीरियर वेना कोवा और दूसरा है सुपीरियर वेना कोवा। ठीक है, अब ये वेना कोवा का कुछ काम होता है। काम क्या होता है, ये वेना कोवा असल में कलेक्टिंग चैम्बर के रूप में मौजूद होते हैं। कलेक्टिंग चैम्बर मीन्स व्हाट, कलेक्टिंग चैम्बर का मतलब यहां पर है ब्लड का, जो ब्लड होता है उसको कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिंग चैम्बर में उसको उसके माध्यम से और भी हार्ट के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहां पर एक है इंफीरियर एक है सुपीरियर। जब इंफीरियर की बात की जाती है तो इंफीरियर वाला क्या करता है, ये एक ऐसी वीन होती है, ऐसी धमनी होती है जो क्या करती है, ये एक डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको क्या करती है, ये कहां से, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से, कहां से, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से लाती है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी जो नीचे का धड़ा होता है हमारी बॉडी का, वहां से ये लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है बिना ऑक्सीजन के ब्लड को लेकर आती है इंफीरियर वेना कोवा में। और क्या करती है, और फिर क्या करती है, राइट एंट्रियम, देखिए यहां से ये पूरा कहीं से भी इकट्ठा करके लाई और इकट्ठा करके क्या करती है, यहां से ये इस तरीके से, ये देखिए राइट एंट्रियम में दाहिने आपके अलिंद में इस प्रकार से प्रवेश करती है। ठीक, इस प्रकार से प्रवेश करती है। एक बार मैं फिर से बताता हूं, इंफीरियर वेना कोवा जो होती है वो लोअर जो बॉडी होती है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी हमारी होती है, वहां से पूरे ब्लड को इकट्ठा करती है। और वो ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, उसी इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ये देखिए इंफीरियर वेना कोवा के माध्यम से आपके राइट एंट्रियम में इंटर करती है। ठीक, और इंटर करने के बाद क्या करती है, ये यहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा होता है। क्या लगा होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक, एक वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड लुमा का, और उस ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या करती है, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाहिने निले के अंदर प्रवेश करती है। क्या करती है, दाहिने अलिंद से मींस राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के इंफीरियर वेना कोवा से अंदर लेकर के ट्राइकस्पिड वॉल्व के यूज से राइट वर्टिकल यानी कि नीले के अंदर प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद देखिए यहां पर एक सर्कुलेशन होता है ब्लड का, इस राइट वर्टिकल में एक सर्कुलेशन होता है ब्लड का इस तरीके से, और सर्कुलेट होकर के क्या करती है, ये देखिए यहां से इस तरीके से आती है, ये इस तरीके से, और ये देखिए यहां पर एक और वॉल्व बना हुआ है जिसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से बाहर निकलती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से बाहर निकलती है और जाकर कहां जाती है, ये लंग्स में जाती है, लंग्स में जाती है, जहां पर पूरे बॉडी जो ब्लड होता है वो लंग्स में घूमता है, और घूम करके क्या होता है, वही ब्लड वहां पर ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, और ऑक्सीजनेट होकर के क्या होती है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड हो जाती है। ऑक्सीजनेट होकर के क्या करती है, ये देखिए इसी पल्मोनरी वीन्स में यानी नसों में क्या होता है, धमनी में क्या होता है, यहां तक अभी भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, याद रखिएगा यहां पर ब्लड अभी भी डीऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के
आगे बढ़ती है तो लंग्स की ओर उन्मुख हो जाती है, और लंग्स में क्या करती है उसको प्योरिफिकेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजनेशन हो जाता है उस ब्लड का, और उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वीन्स, यहाँ पे क्या था पल्मोनरी आर्टरी थी यानी धमनी थी, धमनी हमेशा इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और वीन्स क्या करती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है, यानी ऑक्सीकृत ब्लड लेकर के इन्हीं नसों वीन्स में बहती है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, धमनियों में इम्प्योर ब्लड होता है और वीन्स में यानी नसों में प्योर ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये यहां से इंटर करती है आपके लेफ्ट वाले एट्रियम में, जिसे कहते हैं बायां अलिंद में, यहां पर देखिए एंट्री हुई इसकी, यहां पर एंट्री करके देखिए यहां पर एक और वॉल्व बना हुआ है, जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, MITRAL वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। और इस वॉल्व से क्या होता है आपके लेफ्ट एट्रियम से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आता है, और यहां पर एक एरोटा होता है, एरोटा जिसे हम लोग एरोटिक वॉल्व भी कहते हैं, वो क्या करता है यहां से पूरी बॉडी को, होल बॉडी ठीक, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो होल बॉडी को सप्लाई हो जाती है, सप्लाई हो जाती है, ठीक है ठीक। एक बार मैं पूरे फंक्शन को फिर से समझता हूं, देखिए पूरा ब्लड है यहां पर, ये राइट एंट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एंट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, जिसे हम लोग दाया अलिंद दाया निलय बाया अलिंद बाया निलय के रूप में जानते, चार चैंबर का हार्ट होता है। यहां पर एक इंफीरियर वेना कोवा होती है, वेना कोवा होती है, वेना कोवा दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक इंफीरियर एक सुपीरियर। इंफीरियर क्या करती है यहां पर लोअर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करती है। अच्छा सुपीरियर वाला क्या करता है यहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कहां से कलेक्ट करती है अपर पार्ट से, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ये सुपीरियर वाली करके, और दोनों कनेक्ट करके क्या करती है इस आपके वेना कोवा से अंदर राइट एट्रियम दाहिने अलिंद की तरफ लाते हुए ट्राइकस्पिड वॉल्व से होते हुए फिर राइट वेंट्रिकल में लाती है, यही पर सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेट होकर के क्या होते हैं यहां पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ आगे बढ़ जाता है ठीक। और पल्मोनरी आर्टरी तक आते आते तब तक भी वो ब्लड क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लंग्स की तरफ जाता है, और लंग्स में जाने के बाद ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है और यानी प्योरनेस हो जाती है, प्योर ब्लड क्या होता है इसी पल्मोनरी वीन्स, यहाँ आर्टरी थी यहाँ वीन्स नसों से होकर के वापस से ये लेफ्ट एंट्री फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यहां पर एरोटा या एरोटिक वॉल से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। ये है पूरे के पूरे हार्ट का सिस्टम ठीक, पूरे के पूरे हार्ट का सिस्टम है। यहां पर एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, एक ये जो डबल चैंबर मैंने बनाया ना, एक ऐसा देखिए एक लाइन ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे गई है, इस तरीके से डबल लेयर मैंने बनाई है, डबल लेयर को जहां पे ज्वाइन करी थी इसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व यहीं पर शिरा पर लगा होता है ठीक। इसको इसी पूरे ऑर्गन को हम लोग जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का इसको हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं ठीक। आइए देखिए पूरे बॉडी इसको मैंने उल्टा करके मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या किया इंप्योर ब्लड, यहां पर इंप्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड था, ये इंप्योर ब्लड जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा क्या करती है बॉडी में यहां डिफरेंट ऑर्गन के माध्यम से देखिए इकट्ठा किया और फिर वीन में आया, वीन है नसों में आया, फिर वेना कोवा में, फिर राइट एंट्रियम में, फिर राइट वेना कोवा में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में आया,
ये यहाँ पर देखिए पर्मनेंट आर्टरी पहुंचे, यानी जो ये सर्कुलेशन इस तरीके से हुआ है इसको मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। देखिए वीन से वेनाकोवा राइट वेंट्रियल, राइट वेनाकोवा पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स, ठीक। लंग्स में क्या हुआ, यहां पर लंग्स में क्या हुआ, इसका ऑक्सीजनेशन हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद पल्मोनरी वीन्स लेफ्ट हार्ट आर्टरी, लेफ्ट वीन एरोटा, फिर आर्टरी से होते हुए क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में प्योर ब्लड की सप्लाई हो गई, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो गई, और इस तरीके से ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से पूरे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हार्ट होता है दैट कंप्लीट द डबल ब्लड सर्कुलेटिंग प्रोसेस, ठीक है, जो डबल ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है वो हार्ट अपने चार चैंबर की मदद से कंप्लीट करता है। ये हो गया हमारा हार्ट का एक सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग एक चीज में और जानते हैं, जो ये जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है, पूरा का पूरा एक सिस्टम जो बना हुआ है वो किस प्रकार से काम करता है, इसको देने वाला कौन था, इसको जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस विधा को, इस मेथड को किसने डिफाइन किया था, उनका नाम था विलियम हार्वे। कौन थे वो, विलियम हार्वे। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन की पूरी मेथड को एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग एक बात करते हैं इसमें ब्लड प्रेशर की, कैसे जो हार्ट होता है वो काम करता है ब्लड प्रेशर के रूप में। ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ हार्ट, ठीक है। क्या होता है, जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपांड, ये प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया से क्या होता है ब्लड इसके अंदर सर्कुलेट पूरे हार्ट में होता है। अब इसमें आप जानिए ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया दो रूप में, जो ब्लड प्रेशर जो होता है दो रूप में काम करती है, एक सिस्टोलिक और दूसरा आपका है डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है और डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है। अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक कंडीशन का है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो जो मूवमेंट होती है 110 से 130 जो mm ऑफ Hg मरकरी पर इसको कैलकुलेट किया जाता है, 110 से 130 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर वेरी करता है। डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लड की कंडीशन है वो 70 से 90 mm ऑफ मरकरी में कैलकुलेट होता है, इसीलिए कहते हैं 120 से 80 जो ब्लड प्रेशर होता है आपका 120 से 80 mm ऑफ Hg कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर का सिस्टम। सिस्टोलिक मतलब जहां मैक्सिमम कंडीशन की ओर जाता है वो है जो एवरेज निकाला गया 120, और जो मिनिमम ब्लड पीपी कहते हैं हमारा 80। जब भी देखा होगा आपने ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो मापने के लिए एक यंत्र यूज होता है, वो क्या है यंत्र, क्या नाम है, स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर
मीटर, ठीक है। ये स्टेरिनोमो मैनोमीटर पहले आपने देखा होगा, ये एक पट्टे को बांधा जाता था यहाँ पे पूरे आर्म्स में, और फिर उसको मशीन को चलाते हैं, फिर उसमें पुश करते हैं, जिससे वो मरकरी जो होता है ऊपर वो राइज करता है, और यानी कि मैक्सिमम 180 तक 70-180 तक जाता है और फिर एकदम नीचे की ओर गिरता है। उसी में पता चलता है बीप बीप की आवाज आती रहती है, उसी बीप से पता चल जाता है कि व्यक्ति का इस समय ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, बीपी का मापन कर लेते हैं। इसे डॉक्टर रीवा रॉकी ने दिया था, डॉक्टर रीवा रॉकी ने खोजा था, ठीक है, डॉक्टर रीवा रॉकी ने खोजा था। नेक्स्ट है हमारा हार्ट साउंड। हार्ट साउंड की बात करते हैं, हार्ट साउंड आपने जब हार्ट का साउंड सुना होगा तब देखा होगा उसका डफ और लग की आवाज आती है, डफ लग, डफ लग, डफ लग, ठीक। तो इसे जो ये जो आवाज होती है जिसे लोग धक धक, असल में धक धक ना होकर के क्या होती है, धक धक ना होकर के क्या होती है, डफ लग की आवाज इसके अंदर से आती है। और स्टेथोस्कोप से इसको स्टेथोस्कोप आला जिसे कहते हैं, आला है ना, स्टेथोस्कोप से आला से इसको मापा जाता है। और इस विधा को जिसने दिया था, स्टेथोस्कोप जिसने बनाया था, उनका क्या नाम था, रेनी लाइनेक, रेनी लाइनेक नाम था इनका, क्या नाम था, रेनी लाइनेक। इस आला यानी कि स्टेथोस्कोप को खोजने वाले व्यक्ति का नाम रेनी आपके लाने रहे, ठीक। अब आगे आते हैं,